अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हाज़िर हूँ आज मैं एक और नए व्लॉग के साथ। काफ़ी अरसे से कुछ काम पेंडिंग थे जो अब होने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पिछले व्लॉग्स में आइडिया हो गया होगा कि मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ और मार्केट्स के मेरे बहुत चक्कर लग रहे हैं। बाहर मार्केट में तो बहुत से लोग अवेलेबल हैं जो आपको फर्नीचर ऑर्डर पर तैयार करके दे देते हैं, लेकिन जहाँ बात आए आपके एकदम जेब हल्की होने की तो आपको थोड़ा मुहतात होना पड़ता है। एक तो लोग आपसे इतनी भारी रकम ले भी लें और बाद में साल कुछ महीने बाद भी आपको कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएं कि कहीं से वियर एंड टियर हो गया है या वुड अच्छी यूज़ नहीं की, तब फिर आपके पास सिवाय पछतावे के बाकी हाथ में कुछ नहीं रह जाता। जो चीज़ भी आप बनवाने जा रहे हैं उससे पहले आपको उसकी नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। लकड़ी कैसी है, कपड़ा कौन सा यूज़ होगा, उसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ होगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी बिना पर मैंने इस फैक्ट्री का विज़िट किया और अपनी आँखों से सब होते देखा। मेरे माइंड में जो भी चल रहा था मैंने इन लोगों को अपने घर पहले विज़िट करवाया। हमने पहले बैठ के डिस्कशन की, कुछ आइडियाज़ मैंने शेयर किए कि मैं क्या चाह रही हूँ, किस तरह से चाह रही हूँ, और इन लोगों ने पहले मेरा ड्राइंग रूम देखा और उधर उसके मुताबिक मुझे सजेस्ट किया कि मैं जो चाह रही हूँ वो ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, उसमें क्या वेरिएशन होनी चाहिए। बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगी। आए चलें पहले हम इस फैक्ट्री का विज़िट करें। ये फाइबर है? ये फाइबर है जी। वो तो है, इसका आपने सिर्फ मोल्ड वर्क करना है। मोल्ड वर्क करना है, दुनिया जहाँ नक्शा बन जाए बिल्कुल देंगे, उसमें ये रिजन आएगा। एक दिन दो दिन में इसको ड्राई होने में लगेंगे, उसके बाद इसको तैयार करना। जैसे करना वैसे चीज़ ये सोफे का डिज़ाइन है, इस पर भी ये डिज़ाइन फाइबर का लगे हुए। इसकी क्या कार्विंग का काम है? इसलिए इसका सिर्फ बस वन टाइम इसकी हेडेक है। आपने मोल्ड डेवलप किया, उसके बाद ही चल सकता है। माल डालते जाए निकालते जाए डालते जाए निकालते जाए। कार्विंग के दौर नहीं 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 फर्स्ट टाइम कार्विंग होगी, जब इसका मोल्ड बन रहा होगा, डाई इसकी बन रही होगी, मतलब वो दो इंच तक पौनी से लेके, मतलब पौना इंच से लेके दो इंच तक इसकी थिकनेस आती है। डिपेंड करता है कि हमारा सोफे का डिज़ाइन शेप बननी क्या है, फोम आता है सीट में, ये चार इंच है। अच्छा, इसको वो भी आप थिक करते जाए, थिन करते जाए, तीन चार छः पाँच आठ आठ इंच का भी फोम आता है। आठ इंच का फोम लेने से बेहतर है कि आप चार चार की दो साइज होता है, 22x22 इंच सोफा बनना है, उसकी डेप्थ तकरीबन 30 इंच तक जानी है। 22 के साथ ये हम 8 इंच का पीस जोड़ के उसको पूरे जाएंगे। उल्टी और इसमें ना कुछ मैट्रेस, अगर पाँच इंच का मैट्रेस हो गए जी। डायमंड कितने का है, मल्टी कितने का? 5 इंच डायमंड है 23-24 हज़ार का और मल्टी 25-25 हज़ार, मतलब 10 हज़ार का डिफरेंस है तकरीबन मैट्रेस में। अभी सारे एरिया को ना हम लोगों ने डेकोरेट करना है, डस्ट प्रूफ करेंगे, एयर टाइट करेंगे। जितना मटीरियल है अब आप देखेंगे इसमें सारे में गुंजाइश मेरे पास अच्छी खासी है, बड़े आराम से 50-60 मिनट आराम से तैयार। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे, क्योंकि इंसान जब नेक नियति से काम करता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी अता फरमाता है। ये बंकर पर फंस गया, ये चढ़ के एक नीचे है, ऊपर से जितने जाना है। नीचे ड्रॉज भी है, एक दो तीन चार। ये स्प्रिंग में क्या फर्क है? ये जो है नॉर्मल हल्की गेज का स्प्रिंग है, आमतौर पे मार्केट में इस तरह के भी बनते हैं। जो आपने पसंद किए ये हैवी वे, इसको एक तो इसमें जो है वजन डलेगा, जल्दी प्रेस नहीं होता, बैंड नहीं होता, ज़्यादा देर चलता है। तो जो है साइज भी मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर आना है वो फोम स्क्रैप टायर कटता है और स्प्रिंग्स लगाने के साथ फिर इसको हम लोग इंटेक्ट कर देते हैं बुनती में। जी जी, स्प्रिंग में से एक निकल रहा है, एक बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। हां जी, टायर पट्टी चल जाती है। ऑर्डर किस तरह? मता के पास अंदर मस्जिद इब्राहिम के पीछे। किया टेक। किया टेक, वाओ। ये क्या बन रहा है? टेबल, टेबल के डॉल का है ये। आजकल बहुत इनू आवा बेड शीटें कवर, हां शादी होती है ना वो है उसका, लेकिन वो
ये इसके ऊपर क्या, अच्छा वो स्लाइम मशीन, अच्छा 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 ये कौन सी लकड़ी है? कीकर। अच्छा ये कीकर है, अच्छा खासा भी है तो। अब ये जो है अभी फिलहाल तैयार नहीं हुआ। ये क्या जो तस्वीर भेजी थी यहाँ, ये प्यारा लग रहा है, यही वाला डिजाइन उसके साथ गढ़ा किया, उसके साथ बनाने की कोशिश की है। अच्छा इसके सामने ठीक, हाँ वही चीज, हाँ ठीक लग रहा है। ये इसका अभी लाइट कलर है, ये असल है, अभी इसके ऊपर चमक वगैरह ब्लैक कलर आना है, फिनिशिंग वगैरह सारा कुछ थोड़ा सा और शाइन आ जाएगी और उभर जाएगा रंग। लेकिन ये टिकर का अपना भी कलर जो है ऐसे ही है, प्यारा लगता है। वो उसके हिसाब से ना सारा इसको क्लियर कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ब्लैक ब्लैक फिनिश हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, अगर हमें नहीं पसंद आ रहा हम दूसरा सैंपल भी बनवा सकते हैं। वो एक और लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, उसके अंदर जो कलर आप बोलेंगे उसके हिसाब से ठीक है, शेड दे देंगे। ठीक है शुक्रिया। ये माल सारा ना छत पे हमने खोला हुआ था। ये कौन सी लकड़ी है? ये किकर है, पैलेट के लिए यूज करते हैं क्या? वो पॉपुलर है या क्या लोग करते हैं? ये सारा है, सारा यानी अब रेडी पड़ा है, समझ तो किसी को 2 साल किसी को 3 साल, मौसम उसका खुश करने के बाद कुछ 5 साल पुराना भी आया थे। ये सारी पाइन है, हाँ पाइन है, कैल भी है और इसमें वो स्प्रूस भी है, पर्पल जिसको कहते हैं। ये 1.5 की है, ये भी पोनी की है, ये इसमें से पोनी का नीम गोल है, वो 1.5 का नीम गोल है। ये किस लिए होता है? ये भी टक्कर के ऊपर लगाते हैं। अच्छा जैसे वो नीचे बनता है ना, वैसे वो चल रहा है, कोने के ऊपर डिजाइन लगाना है। अच्छा अच्छा, ये उधर कहीं पर लगाना है डिजाइन, ये अब ये चट्टी लगी हुई है। अच्छा कर्व देने के लिए ये वाला लगता है, ऐसे ये बाकी जो सा डिजाइन चाहिए होता है वो बन जाता है। ये CNC मशीन है, इसमें वो प्रोग्राम बनाते ना। अच्छा तो कंप्यूटर पे चल बताऊंगा वो प्रोग्राम, जो भी डिजाइन होगा वो दे दो उसको, ये खुद ही सिर्फ डाई बनानी है। नहीं वो उसमें है ना, वो जो मार्केट में अभी चल रहा है ना, हाँ फाइबर का, हमने लकड़ी के ऊपर जब करना है तो वो इस तरह तो खुद को हुआ पड़ा था ना, ये भी सीजनिंग हो रही है, खुश हो रहा है, खुश हो जाएगा तो वैसे जोड़ देते हैं। ये जिसमें ये हमने व्हीलें बनाई थी कंपनी को देने के लिए, जिसमें बिजली की तार पेट है ना ऐसे पहिया बना, ये पॉपुलर की लकड़ी का पैलेट बना हुआ, पॉपुलर एचपी की लकड़ी है, इम्पोर्टेड, हाँ दूसरे के बाद पर्पल, ये इसमें कैल पर्पल में बनते हैं। ये किस लिए होता है? ये जो माल एक्सपोर्ट होता है ना, इधर जो चेकिंग के लिए नीचे चौकी है उसके ऊपर माल जोड़ता है, जो नहीं रहा है इस वक्त अभी उसका, ये कि सब ये मैटिक गन्ने लगी हुई हैं इसके अंदर, उस तरह के कील लगते हैं, वो रोल पड़ा है। कॉइल रोल है ठीक है, इसके अंदर मशीन में लगता है, बटन दबाते हैं हवा के प्रेशर से जो है वो उसमें कटते जाना गन लगता है, ये लोडिंग होने लगे, ये देखते हैं फोटो इधर आधर करके लोडिंग करें।
थोड़े इधर करते हैं। थोड़ी से ठोके ये की लग गया है की सॉलिड है। हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों को ज्वाइंट कर दिया। ये हार्डवुड और सॉफ्टवुड क्या होता है? सॉफ्टवुड होता है जैसे पतल केल है, पाइन वुड है जी जी, लकड़ी नरम होती है ठीक है। ये हार्डवुड है किकर टाली, ये हार्ड होती है। इन दोनों को ज्वाइंट किया है। नेचुरल पॉलिश है लकड़ी, नीचे से लकड़ी ही नजर आ रही है। कलर बोलते हैं। अच्छा ये कीकर का अपना कलर है जी, ये अपना कलर है और दूसरा लाइट कलर उसका वुड का अपना कलर। हम इपॉक्सी लगा के इनको बांध देते हैं जी 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 24 घंटे के लिए, उसके बाद इसको खोला ओपन किया और ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। गिलू से भी जोड़ सकते हैं लेकिन उसमें इतनी मजबूती नहीं होती। थैंक्स टू मिस्टर अमजद, मिस्टर आसिम एंड मिस्टर फालिक जिन्होंने हमें अपने कीमती टाइम से नवाजा और हमें अपनी फैक्ट्री का विजिट करवाया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।